सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वनडे हो या डिस्क्रिप्टिव हो, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण, और सीधा सा क्वेश्चन है कि इसके लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, और उसमें से एक है राष्ट्रीय महिला आयोग और एक है राज्य महिला आयोग। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए हुए, एक अलग से क्वेश्चन हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, तो इसे दो भागों में बांट लेते हैं, एक संवैधानिक और दूसरा है वैधानिक। संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? जिसका संविधान में स्पष्ट किसी अनुच्छेद में प्रावधान किया हुआ है, और वैधानिक मतलब जिसके लिए अलग से कोई, जैसे राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम 1990, राज्य ने कब बनाया 1995। तो ऐसे अधिनियम बनाए हैं तो वो काम में आएंगे वैधानिक, और जो संविधान में दिए हुए किसी अनुच्छेद में वो क्या है संवैधानिक। तो संवैधानिक अधिकारों में देखें तो अनुच्छेद 15, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 15 क्या प्रावधान है इसमें? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, किसी महिला को इस कारण अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो महिला है, केवल महिला है। भाई योग्यता है तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, वो पद मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 15 में स्पष्ट दिया है कि लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) क्या, 15(3) में एक, इसी में एक आर्टिकल जुड़ा हुआ है, राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। राज्य को, राज्य का मतलब यहां पे क्या है? सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो राज्य को महिलाओं के संबंध में विशेष उपबंध बनाने की शक्ति, तभी तो ये महिला अधिनियम बने हैं, है ना? जो राज्य विधानसभाओं ने क्या दिया है, आरक्षण की बात की है, 50% महिलाओं का आरक्षण, ये वो सब काय के अंतर्गत आता है, ये इसी के अंतर्गत। 15(3) राज्य को महिलाओं के संबंध में विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। 16(2) अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 16 आरक्षण का प्रावधान है, 16(4) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो 16(2) में क्या दिया है? लिंग के आधार पर रोजगार पाने में भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर रोजगार पाने में भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर रोजगार पाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद काल में ये 16(2)। तो 15 में क्या है? लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 15(3) राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। 16(2) लिंग के आधार पर रोजगार पाने में भेदभाव नहीं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या दिया है? मानव की अवैध तस्करी व बलात् श्रम का निषेध, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानव की अवैध तस्करी व बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। तस्करी अक्सर किसकी की जाती है? महिलाओं की जाती है, उनकी खरीदी
बिक्री की जाती है, वैश्यवृत्ति जैसा घिनौना काम उनसे करवाया जाता है जबरदस्ती। तो वो अनुच्छेद 23 के तहत महिलाओं को इसमें संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव की अवैध तस्करी व बलात् श्रम की का निषेध। अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए में बात करें, 51 क की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य, हमारा मूल कर्तव्य है 51 का में। तो इसमें पांचवा कर्तव्य देखें तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला के सम्मान के खिलाफ हो। तो ये ई के अंतर्गत ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। तो 51 ए ई में कह रही है ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। बड़ा सरल सा क्वेश्चन बनता है मेंस में कि संविधान में महिलाओं के लिए कौन कौन से विशेष उपबंध किए हुए, और भूल जाते हैं सब। हम सीधी सी राज्य सरकार ऐसा करेगी, केंद्र सरकार ऐसा करेगी, लेकिन वहां हमें एक्यूरेट लिखना पड़ता है, संविधान के अनुच्छेद के साथ में लिखना होता है, है? तो जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो प्री क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस में इसे उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा। आर्टिकल 42 ये काय में आएगा, ये भी भाग चार में ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कार्य के लिए मानवीय दशाएं व मातृत्व अवकाश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्य के लिए मानवीय दशाएं व मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश पहले 3 महीने का, मतलब 90 दिन का दिया जाता था, लेकिन अब कितने दिया जाता है, 6 महीने का, 180 दिन का दिया जाता है। वैतनिक वेतन भी दिया जाता है साथ में, पर शर्त एक है कि भारत सरकार की जो नीति है हम दो हमारे दो, उसका पालन करना पड़ेगा। तो फिर आपको मतलब जो संबंधित है उसको मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाता है, और ये स्पष्ट संविधान में प्रावधान किया हुआ है। आर्टिकल 39 ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा, संविधान के भाग चार में आएगा। तो क्या दिया है इसमें, जीविका के पर्याप्त साधनों के लिए राज्य महिला और पुरुष के समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। जीविका के साधनों के लिए राज्य महिला और पुरुष के समान अधिकार को सुनिश्चित करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, यही बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है बार बार। अब आर्टिकल 243 डी, इसमें भी प्रावधान दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 डी काय से संबंधित है, ये पंचायती राज, और इसमें क्या है, पंचायतों के चुनाव में जो है 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लेकिन मध्य प्रदेश ने कितना कर दिया, 50% कर दिया, लेकिन संविधान में कितना प्रावधान है, कम से कम 1/3 तो होना ही चाहिए, 1/3 तो होना ही चाहिए। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान जो है वो महिलाओं के लिए किए गए है। अब हम बात करते हैं वैधानिक उपाय मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं एक लाइन लिखाऊंगा आप 2 लाइन पढ़ो उसकी, और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हमने महिला नहीं बोला क्योंकि घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ में होती है, साथ साथ बच्चों के साथ में भी होती है, तो इसमें महिलाएं भी शामिल है और बच्चे भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं।
तो घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005, सती आचरण निवारण अधिनियम 1987, सती आचरण निवारण अधिनियम 1987। वैसे तो हमने याद किया है राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1830 में सती प्रथा प्रतिबंधित की गई थी। 1828 में सती प्रथा प्रतिबंधित की गई थी और 1830 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज है। ये सब हम पढ़ते हैं 1828-1830 सती प्रथा से संबंधित थे, लेकिन सरकार ने फिर उसमें संशोधन किया, कुछ अलग एक निधि विधि बना ली, क्या सती आचरण निवारण अधिनियम 1987। महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन प्रतिशोध अधिनियम 1986, प्रतिशोध अधिनियम 1986। क्या है ये? अशिष्ट प्रदर्शन मतलब ये देखा गया है, जैसे जो सार्वजनिक समारोह वगैरह होता है वहां महिलाओं का अभद्र नृत्य वगैरह करवाना, फिल्म वगैरह यदि हो रही है तो उसमें कुछ अश्लीलता प्रदर्शित करना, तो इनके ऊपर बैन लगाया गया है और इसके लिए अधिनियम कब आया है? 1986। अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम का 1956। अनैतिक व्यापार मतलब उसकी खरीदी बिक्री करना, वैश्यवृत्ति, भीख मंगवाना, ऐसे कार्य करवाना या कहीं उनका दुरुपयोग करना कोई काम करवाने के लिए, तो ये सब बातें इसके अंतर्गत शामिल है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज डाउरी प्रॉब्लम कितनी बार आपने निबंध लिखा होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, किसी भी रूप में दहेज लेना और देना दोनों प्रतिबंधित है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1974। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी सरकार ने इसमें कुछ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया है उसके ऊपर कि यदि महिला जो है अविवाहित है और यदि वो एडल्ट है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की है तो उसे भी गर्भपात कराने का अधिकार दिया हुआ है। कितने सप्ताह का? 24 सप्ताह या उससे कम का है तो उसे समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। और बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आ रही है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कब बना है? 1971। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाता है। 1971 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939,
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कि उसको भी पैतृक संपत्ति में दावेदारी होगी, उनको भी बंटवारे में हिस्सा मिलेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और भी ढेर सारे प्रावधान है, ये जो महत्वपूर्ण है जो हमने आप लोगों को बताए हैं। तो ये महिलाओं के अधिकार है, कुछ संवैधानिक है और कुछ वैधानिक है, और इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम। तो हम बात करेंगे इसे 1974 में एक भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, 1974 में भारत सरकार द्वारा एक महिला उन्मूलन समिति का गठन किया गया था, जो संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए महिलाओं के लिए उसके ऊपर उन्हें एक रिपोर्ट देना था। दूसरा राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना 1988 में आई थी, राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना 1988 और इसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया, ये 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है किस विभाग के अंतर्गत आता है, इसकी नोडल एजेंसी क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। जो गठन हुआ है किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है 31 जनवरी 1992। ये सांविधिक व सलाहकारी निकाय है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत हुआ है तो कैसा होगा, सांविधिक व सलाहकारी निकाय। नियुक्ति कौन करता है इसकी, नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार, नियुक्ति केंद्र सरकार। संरचना देखें इसकी, संरचना, संरचना में देखते हैं तो एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और दूसरे नंबर पे पांच सदस्य और तीसरे नंबर पर कौन होगा, एक सचिव, एक कौन होगा, सचिव। तो ये 6 सदस्य और ये गैर सरकारी सदस्य है, और एक सदस्य कैसा होगा, सरकार, एक सदस्य क्या होगा, सरकार। जो अध्यक्ष होगा इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और जो सदस्य होते हैं इसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का। कार्यकाल देखा जाए इनका, कार्यकाल, कार्यकाल तो वही 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और ये प्रावधान दिया है अधिनियम की धारा 4 में। और ये गठन का किस में हुआ है, इस अधिनियम की धारा 3 गठन काल के तहत हुआ है, अधिनियम की धारा 3 के तहत, और कार्यकाल का भी दिया हुआ है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, अधिनियम की धारा 4 में दिया हुआ है। मुख्यालय कहां पर है इसका, मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, मुख्यालय कहां पर होगा, नई दिल्ली में, लेकिन जसोला, क्या जसोला इलाका, नई दिल्ली, जसोला नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। इस ये जो वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं किसको देंगे, वार्षिक प्रतिवेदन,
वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को और प्रतिवेदन देते हैं केंद्र सरकार। प्रतिवेदन ये महीने दो महीने में कभी भी दे सकते हैं, तो ये किसको देते हैं? केंद्र सरकार को। लेकिन वार्षिक प्रतिवेदन ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है इनको, सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियां, सिविल न्यायालय की शक्तियां इन्हें प्राप्त है। कार्यकाल 3 वर्ष का है। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। योग्यता यदि देखें तो सदस्यों की योग्यता क्या है? योग्यता बड़ा महत्वपूर्ण है, अलग अलग क्षेत्र है इसमें। योग्यता यदि देखा जाए तो विशिष्ट क्षेत्र, महिलाओं के अधिकारों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने कार्य किया हुआ हो, बस ये विशिष्ट क्षेत्र है इनका। महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया हो। शिक्षा, चिकित्सा, विधि, उद्योग, क्या शिक्षा, चिकित्सा, विधि, उद्योग आदि क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोग हो। सबसे मुख्य क्या है? महिला कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया हो, महिला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया हो। और दूसरा क्या? शिक्षा, चिकित्सा, विधि, उद्योग आदि क्षेत्र में इन्होंने विशेष कार्य किया गया हो। अब हम बात करते हैं सदस्यों की, तो एक एससी का व एक एसटी का सदस्य होना आवश्यक है। जो 5 सदस्य होते हैं तो इसमें से एक एससी का व एक एसटी सदस्य होना भी आवश्यक है। महिला तो होगी लेकिन क्या, एक एससी और एक एसटी सदस्य होना आवश्यक है। त्याग पत्र किसको देंगे? ये केंद्र सरकार को। त्याग पत्र किसको देंगे? ये केंद्र सरकार को। और हटा भी सकती है सरकार इन्हें, लेकिन हटाने के कुछ आधार हैं, वो कॉमन से हैं, सबके हैं। दिवालिया हो जाना ऐसा कृत्य जो सरकार के दृष्टिकोण में अनैतिक हो, ऐसा कृत्य जो सरकार के दृष्टिकोण में अनैतिक हो। यदि महिला आयोग की सदस्य हैं और उसी के परिवार में उसका बेटा या उसका भाई जो है उसकी पत्नी को जला दे, दहेज की मांग करे, तो ये क्या होगा? ऐसे लोगों को रखेंगे क्या सदस्य? नहीं। तो ऐसा कोई भी कृत्य जो सरकार की दृष्टिकोण में अनैतिक हो, अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हुआ, मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया हो, तो ऐसे सदस्यों को भी हटा दिया जाता है। लगातार 3 बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे, हटाने का कारण एक आधार क्या हो सकता है? लगातार 3 बैठकों में ये बिना सूचना के अनुपस्थित रहे हो, अपने पद का दुरुपयोग किया, ये कारण क्या हो सकता है? अपने पद का दुरुपयोग किया गया हो। कार्य क्या करते हैं ये? क्या कार्य करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग? क्या कार्य करता है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है उसकी धारा 10 में इनके कार्यों का उल्लेख है। काय में है? धारा 10। नियुक्ति का प्रावधान 3 में, नियुक्ति का प्रावधान 3 में, कार्यकाल 4 में, और इसका कार्यों का उल्लेख कार्य में दिया हुआ है धारा 10 में, धारा 10 में। क्या कार्य है? तो महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन, ये लिख लिया ना अपन ने, संविधान और अन्य विधियों के अधीन। तो महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा पायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना, ये अधिकार सही से दिए है कि नहीं, लागू हो रहे कि नहीं, कहीं कमी तो नहीं है इसमें, और क्या सुधार किया जा सकता है, चाहे संविधान में हो या अन्य विधियों के अधीन दिए गए हो। दूसरा कार्य, रक्षा पाए के कार्यकरण के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। रक्षा पाए ये है, इसका कार्यकरण, कार्यकरण क्या है? वास्तव में इनको लागू भी किया गया है या नहीं? कई बार चुनाव हुए और पता चला कि वहां पे 2-3 सदस्य हैं, 50 सदस्य की 50 सदस्य होना चाहिए थे और उसमें से महिला मात्र 2 या
तीन है तो फिर ये नियम लागू हुआ कि वहां पे नहीं, कम से कम एक तिहाई तो होना चाहिए। तो ऐसे कार्यकरण हो रहा है या नहीं, इसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट देना। ऐसी रिपोर्ट किसको देंगे? वो सरकार को। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति से रिपोर्ट देना। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य को सिफारिश करना। महिलाओं के लिए और क्या किया जा सकता है और बेहतर क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए वार्षिक रिपोर्ट केंद्र को देना है, संबंधित राज्य की है तो राज्य सरकार को देना। तो महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए केंद्र व राज्य को रिपोर्ट देना, सिफारिश करना। जैसे जेल है, सुधार गृह है, महिलाओं की अन्य संस्थाएं हैं या अभिरक्षा के लिए अन्य स्थान कोई सुनिश्चित है तो वहां जाकर ये निरीक्षण कर सकते हैं। वहां जाकर ये निरीक्षण करते हैं, संबंधित अधिकारी से वार्तालाप कर सकते हैं, उन्हें सुधार के लिए सिफारिश भी दे सकते हैं। चाहे जेल हो सकते हैं, सुधार गृह हो सकते हैं या अन्य अभिरक्षा जैसे पुलिस कस्टडी वगैरह में रखते हैं, तो वहां पर संबंधित अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं, उन महिलाओं से बात कर सकते हैं कि वहां उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, और कुछ सुधार के लिए सिफारिश करना चाहे तो सिफारिश भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिफारिश देते हैं, केंद्र सरकार इन्हें माने या न माने इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अब शिकायत कैसे करें? तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, तो इसके ऊपर भी हम कॉल कर सकते हैं। हर जो स्थानीय विभाग होते वहां महिला प्रकोष्ठ क्या बनाना जरूरी है, महिला प्रकोष्ठ, महिला उत्पीड़न समिति की स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं से संबंधित जो विवाद है उसका निराकरण किया जा सके। तो इसके लिए क्या, महिला प्रकोष्ठ, महिला उत्पीड़न समिति, महिला डेस्क थाने में जो होती है, महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए महिला डेस्क, महिला से महिला प्रभारी अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विविध प्रावधान किए हुए हैं। आयोग शिकायत या तो स्वयं संज्ञान लेकर सुन सकता है या कहीं से शिकायतें आए तो उसके आधार पर भी वो जांच कर सकता है। महिलाओं की ओर से अन्य कोई व्यक्ति भी शिकायत करे तो भी ये जांच कर सकता है, ये इनके अधिकार है। इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। कब नियुक्ति हुई इनकी, जनवरी 1992 जयंती पटनायक। दूसरे नंबर पे है मोहिनी गिरी,